राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगा मेली की हत्या पर नकवी ने कहा कानून मजबूती से अपना काम कर रहा है। जनपद रामपुर के ग्राम कोयला में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्रामीण जागरूकता कार्यक्रम का पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम जिला सहकारी बैंक की ओर से कराया गया था। इस कार्यक्रम में जो भी पात्र गाँव के लोग थे उन्हें आयुष्मान कार्ड देकर उज्ज्वला योजना के तहत गैस का चूल्हा सिलेंडर देकर उसके अलावा और कई योजनाएं थीं जिसे पात्र लोगों को लाभान्वित किया। इस कार्यक्रम में जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष मोहनलाल सैनी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हंसराज पप्पू और ग्राम कोयला के ग्राम प्रधान भूखनलाल सहित तमाम भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाएँ हैं उन योजनाओं के बारे में भी गांव की जनता को जानकारी दी। इंडिया गठबंधन पर भी मुख्तार अब्बास नकवी ने कटाक्ष किया। कहा कांग्रेस पर अखिलेश यादव ने कहा था कांग्रेस के बारे में ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस से ठगा नहीं। वही गठबंधन पर कहा गठबंधन की गठरी में जितना छेद है उससे ज़्यादा उनके महत्वाकांक्षी मतभेद हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी ने कई जो दुकानें थी उन पे ताला बंदी और नाकाबंदी करा दी है, क्योंकि जो ये दुकानें थी ये केवल सियासी शोषण और राजनीतिक शोषण के जरिए लोगों के सशक्तिकरण का अपहरण करने में विश्वास करती थी, उसको जो है वो उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाने का विश्वास करती थी। इसलिए इस नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के बाद नरेंद्र मोदी जी के काम की गिनती और करिश्मे के गणित ने जो समाजवादी टीपू है और सामंती सुल्तान है उनके जो सपनों का एक सल्तनत थी उस सपनों की सल्तनत का जो है वो सुपड़ा साफ किया है और आज देश का समाज का सभी हिस्सा प्रगति की मुख्यधारा में शामिल हो रहा है, उसकी आंखों में खुशी और उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आ रही है। इसीलिए हमने कहा कि जब नरेंद्र मोदी जी ने समाज के किसी हिस्से के साथ विकास में कोई कमी नहीं की तो उनके साथ उनको वोट में कंजूसी किसी को भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी सरकार देश के विकास की गारंटी है, देश के सशक्तिकरण की गारंटी है, देश के लोगों की सुरक्षा की गारंटी है। नवीन जी, कुछ जगह तीन राज्यों में हार का मंथन हो रहा है, भाजपा का क्या मंत्र है जीत का? देखिए मैं मानता हूं कि ये जो तथाकथित विपक्षी गठबंधन है, विपक्षी गठबंधन की गठरी में जितना छेद है उससे ज़्यादा उनके महत्वाकांक्षी मतभेद है और नरेंद्र मोदी जी की कद, नरेंद्र मोदी जी का काम और उनका करिश्मा उसके सामने ये पूरी तरह से धाराशायी हुए हैं। और कांग्रेस का तो खुद उत्तर प्रदेश के जो हमारे लीडर हैं अखिलेश यादव जी ने खुद कहा कि कांग्रेस पार्टी वो है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं, कांग्रेस तो ठगी का ठठेरी बाजार है। सुखदेव सिंह जोगो मणि की हत्या पे क्या कहना चाहेंगे राजस्थान में जो हत्या हुई? उसमें बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई हो रही है और होना चाहिए, जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के जघन्य अपराध, इस तरह के अमानवीय अपराध, इस तरह के जो क्राइम है उसको किसी भी तरह से ऐसे क्रिमिनल्स को बचना। राजस्थान के जो पूर्व सीएम अशोक गहलोत उनका नाम एफआईआर में दर्ज हुआ है उस हत्या में, जो भी कानून है अपना काम करेगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा अपने आप में एक अनूठी यात्रा है। माननीय मोदी जी की सरकार ने 9 साल में देश के लिए और देश के गरीब किसान और अभावहीन लोगों के लिए जो कार्य किया है वो अपने आप में एक अनूठा कार्य है। सरकार ने जो किया है और जो करने जा रही है उन लोगों के लिए उनको ये जागरूक करने का एक कार्यक्रम है कि सरकार इसमें क्या क्या और अच्छा कर सकती है। आज कौन मुख्य अतिथि? हमारे इस कार्यक्रम में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी मुख्य अतिथि के रूप में रहे और जिला पंचायत अध्यक्ष और हम सब तमाम लोग, जिला अध्यक्ष हंसराज पप्पू जी, सभी लोग रहे। सहकारिता की ओर से हमने एक अनूठा प्रदर्शन इसमें किया है। हम लोग किसानों की आय दोगुना करने के लिए जो कार्यक्रम चला रहे हैं माननीय मोदी जी के निर्देशन में, उसमें हमने नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का जो स्प्रे किया जाता है उसमें किसानों को बहुत अधिक खर्च आता है, इसलिए हमने ड्रोन द्वारा नैनो यूरिया, नैनो डीएपी इसके का जो प्रोडक्ट हैं उनको स्प्रे करने के लिए ड्रोन का प्रयोग किया है। आपने देखा होगा अभी गाँव में माननीय नकवी जी ने भी उसका प्रदर्शन देखा और किसानों को सस्ती लागत पर इफको और डीएपी मिलेगा और जिसके साथ सागरिका का प्रयोग करके अपनी फसल का दुगना उत्पादन कर सकते हैं,
किसानों को इसका बहुत लाभ होने वाला है। ये हमारे सरकार की जो विकसित भारत संकल्प यात्रा योजना चल रही है उसके अंतर्गत हमारे गांव में कार्यक्रम लगा था, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी रहे थे और बाकी उनके साथ जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन, जिला पंचायत अध्यक्ष, बाकी सारे हमारे जिले के जिला अध्यक्ष भाजपा सभी लोग आए और उन्होंने हमारे गांव के जो योजनाएं हैं उसके बारे में लोगों को जानकारी दी और जो लाभ लोगों को मिला है उनको सम्मानित किया।